बीसीसीआई का आया है बड़ा फैसला, T10 फॉर्मेट में खेला जाएगा नया IPL। तो दोस्तों क्या है पूरी अपडेट बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग को देखना करते हैं पसंद तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग की सफलता के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI 2024 में एक नई T10 फ्रेंचाइजी लीग लेने की तैयारी कर रहा है। 15 साल बाद IPL की सफल मेजबानी के बाद अब BCCI IPL T10 को दूसरी लीग की योजना के रूप में प्रयोग करेगा। BCCI भविष्य के लिए T10 फॉर्मेट की ओर बढ़ चुका है, लेकिन अभी तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से इस खबर की पुष्टि नहीं की गई है। क्रिकेट न्याय वर्तमान में प्रस्ताव लीग के संबंध में कई मुद्दों पर विशेष विचार विमर्श किया जा रहा है, जिसमें हम आपको बता दें कि T10 या T20 क्या उन्हें T10 के विचार के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर T20 पर कायम रहना चाहिए, इसका प्रस्ताव शामिल किया गया है। वहीं दोस्तों फ्रेंचाइजी टेंडर प्रक्रिया की बात करें तो क्या T10 लीग या IPL फ्रेंचाइजी के लिए अलग से टेंडर प्रक्रिया किया जाएगा, यह भी सवाल है। दोस्तों मैचों के स्थान की बात करें तो क्या टूर्नामेंट भारत के कुछ शहरों में या फिर हर साल नए स्थान पर खेला जाएगा। वहीं दोस्तों खिलाड़ियों के सीमा की बारे में बात करें तो क्या लीग में खिलाड़ियों के लिए आयु सीमा होनी चाहिए ताकि नई लीग IPL की लोकप्रियता को प्रभावित न करे। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले सऊदी अरब के एक अरबपति ने भारतीय क्रिकेट में निवेश की इच्छा जताई थी। ऐसे में अब T10 के लीग खाड़ी देशों में खेले जाने वाली संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की जानकारी में इतना ही, आपको क्या लगता है क्या IPL के बाद अब T10 लीग भारतीय टीम के लिए खेली जानी चाहिए या नहीं, आप अपने व्यक्तिगत राय में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।